हाई एवरी वन, आई एम बैक विद द थाली ऑफ द वीक. और आज मैंने बनाई है सिंधी थाली. में मैंने बनाया है दाल पकवान, सिंधी कढ़ी भात के साथ, और बी की सब्जी जो कि होती है कमल ककड़ी. तो सिंधी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने वेजिटेबल्स ली हैं वो है ड्रमस्टिक्स यानी कि सहजन, फिर ली है फ्रेंच बीन्स, फिर लिए है आलू और बैंगन. आप इसमें गाजर और मटर अपने हिसाब से और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं. सिंधी कढ़ी नॉर्मल कढ़ी से काफ़ी डिफरेंट और टेस्टी होती है. तो इन सारी वेजिटेबल्स को हम एक कुकर में प्रेशर कुकर की सीटी लगाकर उबाल लेंगे. आप ओपन किसी बटन में भी उबाल सकते हैं, पर सहजन है उसको गलाना ज़रूरी है, वरना काफ़ी खड़ा खड़ा टेस्ट उसका आता है. तो इसलिए मैंने इसमें 2-3 प्रेशर कुकर की सीटी से बॉईल करा है. अब एक कढ़ाई में हम तेल डालकर उसमें हम जीरा, राई, करी पत्ता और मेथी दाना डाल के उसे अच्छे से भूनेंगे. जब ये तीनों चारों चीज़ें भुन जाएं अच्छे से, तब उसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल के बेसन को येलो से ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे. जब बेसन भुन जाए तो उसमें तकरीबन 1 लीटर पानी हम डाल के अच्छे से उसे चलाएंगे ताकि बेसन की गांठें ना रहें. अब इस पानी में हम डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और फिर इसमें जितनी भी उबली हुई सब्जी है उन्हें डाल देंगे. इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इमली का गूदा या इमली का पानी. तो मैंने इमली को तकरीबन 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था और फिर उसका गूदा और पानी निकाल लिया था. लास्ट स्टेप में हम इसमें इमली का पानी डालेंगे और फिर हमारी सिंधी कढ़ी को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम आँच पर पकने रख देंगे. अब तैयार है हमारी हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सिंधी कढ़ी. इसके बाद मैं बना रही हूँ दाल पकवान. दाल पकवान के लिए आप 1 कटोरी चने की दाल को रात भर या 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे. फिर इस दाल को आप एक कुकर में नमक और हल्दी डालकर बॉईल करेंगे. अच्छे से बॉईल करेगा, 10 से 12 सीटी लगती है चने की दाल को बॉईल करने के लिए. उसके बाद आप एक पैन लीजिएगा या कुकर में ही आप दोबारा से घी डालिएगा. उसमें आप राई, जीरा, करी पत्ता डालिएगा और अच्छे से इन्हें भूनिएगा. फिर इसमें आप 1 प्याज और 1 टमाटर डालकर, कटा हुआ प्याज टमाटर डालकर भूनिएगा. उसके बाद आप उसमें बॉयल दाल डालेंगे. उसमें आप नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जो भी आपको डालना है वो सब डाल के अच्छे से दाल को मैश कर आप इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट मीडियम आँच पर. तैयार है हमारी दाल. अब पकवान बनाने के लिए हम इसका आटा गूंथेंगे. जब ये आटा गूंथ जाएगा तब उसमें हम छोटी छोटी रोटी की तरह इसे बेल लेंगे. और जब इसे हम बनाएंगे उससे पहले हम एक फोर्क या किसी भी जो धारी वाली चीज़ होती है, चाकू ले लीजिए, उससे आप इसमें छेद करेंगे. जैसे कि आप मछली बनाते हैं तब करते हैं छेद, हम इसलिए करेंगे ताकि ये फूले ना. इसको हमें फ्लैट बनाना है. फिर हम एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और इस पकवान को हम तलेंगे अच्छे से. जब ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन, तब हम इसे निकालेंगे. इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है. तो तैयार है हमारा दाल पकवान भी. अब इसके बाद हम बनाएंगे भी की सब्ज़ी. भी होता है लोटस स्टेम यानी कि कमल ककड़ी. सबसे पहले आप कमल ककड़ी लेंगे, उसे बहुत ही अच्छी तरह से धोना है. उसके जो पोर्स हैं उन्हें भी अच्छे से साफ़ करना है. अगर आपको लगता है अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है तो आप टूथपिक की मदद से उसे अच्छे से साफ़ करिए, क्योंकि कीचड़ में होता है तो इसमें गंदगी अंदर भी जमा हो सकती है. फिर आप कमल ककड़ी को धोइएगा अच्छे से और उसे काट लीजिएगा गोल गोल. अब इसके बाद हमने इसमें लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ा सा धनिया. तो सबसे पहले हम एक पैन में तेल गरम करेंगे.
फिर उसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा अदरक, मिर्च, और फिर हम जो हमारा प्याज टमाटर है उसको भी डालेंगे और भूनेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से। जब ये सब भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कमल ककड़ी और इसे भी भूनेंगे, और इसके ऊपर हम मसालों में डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और फिर हम इसे ढककर कुछ दिन पकने के लिए रख देंगे, जैसे कि 10 से 15 मिनट। आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं ताकि जो कमल ककड़ी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये जो इस सब्जी का टेस्ट है वो थोड़ा सा क्रंची ही होता है, तो आप देखिएगा कि इसका कलर बदलेगा, ये ब्राउन होगा और इसकी हार्डनेस जो है वो थोड़ी सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तब आपको समझ आ जाएगा कि आपकी सब्जी बन गई है। अब की है हमने प्लेटिंग सिंधी अपनी थाली की, तो इसमें हमने लिया है दाल पकवान, सिंधी कढ़ी चावल के साथ और घी की सब्जी। आई होप आपको हमारी ये थाली अच्छी लगी हो। आप भी घर पे इसे ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसी लगी। आपकी किसी भी क्वेरी के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है vidhiagrawal25, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं और इंटरेस्टिंग थाली लाती रहूँगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए अ बिग थैंक यू।